संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इस साल भारत 140वें स्थान पर पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 7 पायदान नीचे है। 2018 में भारत 133वें स्थान पर था। फिनलैंड लगातार दूसरे साल भी इस मामले में शीर्ष पर रहा है। खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने यह रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस घोषित किया था। तब से ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र की ये सूची 6 कारकों पर तय की जाती है। इसमें आय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सपोर्ट, आज़ादी, विश्वास और उदारता शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में समग्र विश्व के खुशहाली में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र की 7वीं वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो दुनिया के 156 देशों को इस आधार पर रैंक करती है कि उसके नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं, इसमें इस बात पर भी गौर किया गया है कि किस देश में चिंता, उदासी और क्रोध सहित नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि हुई है। फिनलैंड को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 67वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 125वें और चीन 93वें स्थान पर है। युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान के लोग अपने जीवन में सबसे अधिक नाखुश हैं। इसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य 155वें स्थान पर, अफगानिस्तान 154वें स्थान पर, तंजानिया 153वें स्थान पर और रवांडा 152वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक होने के बावजूद अमेरिका खुशहाली के मामले में 19वें स्थान पर आता है। भारत की बात करें तो इस मामले में यहाँ निरंतर गिरावट के कारण रैंकिंग 7 अंक फिसल गई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की 2018 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी भारत की स्थिति सार्क देशों और चीन से भी बुरी थी। पिछले साल भी पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर थी।